Kindly hand over the gold medal to Himanshu from Madhya Pradesh. Kindly big round of applause. खुद पर भरोसा हो और लगन से कड़ी मेहनत की जाए तो कोई कुछ भी कर सकता है। एक ऐसी ही सच्ची कहानी है सतना जिले के ग्राम इटोरा के एक छोटे से गरीब किसान के 16 वर्षीय बेटे हिमांशु मिश्रा की, जिसके पास ना तो प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड था और ना ही जरूरी सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ के रायपुर में फरवरी 2021 में संपन्न हुए अंडर 16 नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा दूरी तक भाला फेंक कर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। गांव की गलियों में नंगे पैर प्रैक्टिस करके सतना के इस सपूत ने न सिर्फ अपने माता पिता और गांव का नाम रोशन किया बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित किया है। हिमांशु के पिता श्री विनय मिश्रा किसान हैं और परिवार बेहद गरीब, लिहाजा हिमांशु के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो महंगी कोचिंग और महंगे साजो सामान खरीद सके, लेकिन उनकी लगन ने हिमांशु को कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाया है। हिमांशु के स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर श्री अनूप पाठक ने उन्हें सपोर्ट किया और हिमांशु भाला फेंकने की प्रैक्टिस 2 साल तक करते रहे। फिटनेस के लिए घर पर देसी जुगाड़ कर पत्थरों और टायरों की मदद से जिम भी बनाई। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए अंडर 16 नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया, जिसमें हिमांशु ने 59.2 मीटर तक भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया और ये साबित किया कि मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत और लगन से यदि प्रयास किए जाएं तो ख्वाब पूरे हो सकते हैं। स्थानीय विधायक रामपुर बघेलान श्री विक्रम सिंह ने विधायक निधि से जहां 1 लाख की सहायता दी ताकि किट वगैरह खरीद सके, वहीं प्रदेश सरकार भी उनके सपनों को पंख देने के लिए हर कदम पर उनके साथ है।